Hello everyone, good afternoon and welcome to our class on heights and distances trigonometry part. जो है हमारा heights and distances जिसपे आपको questions बहुत आते हैं exam में उसपे हैं. So guys, heights and distances जो है, welcome everyone, those who are live, good to see you all. आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, right? So heights and distances में हम क्या देखते हैं, what type of question we get you know, change of angle with the moment of something. इस पे question देखा गया है, जब भी angle question आया है, ठीक है, complementary angle, two building वाला, you know, angular moment, three angles, ये सब तरह के different questions हैं. अब ये ध्यान रखिए कि trigonometry की class में हम sin theta, cos theta, tan theta इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे. इसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ना साइन थीटा की, ना कॉस थीटा की, ना टेन थीटा की. ट्रिग्नोमेट्री को हम करेंगे ज्योमेट्री से. ज्योमेट्री में बेटा जी दो शेप होती हैं, एक शेप हमारी रहती है इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक रहती है राइट एंगल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक रहता है स्क्वायर, राइट. सो व्हेन वी हाफ कट दिस हाफ आई गेट अ ट्रायंगल, व्हाट इज यू नो वी कॉल इट एज राइट एंगल ट्रायंगल, वेयर दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज रूट थ्री. So this is one triangle that we get if we cut an equilateral triangle into two halves. और अगर हम इसको दो हाफ में कट करते हैं तो ये वन वन रूट टू आ जाता है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये एंगल आपका 45 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री आ जाता है. तो राइट ये हम आज करेंगे. दो तरह की ट्राइंगल हैं, कौन कौन सी बोली बेटा मैंने, वन टू रूट थ्री, वन टू रूट थ्री, ये कब है, ये 30 है. सबसे पहले समझते हैं कि भाई काम हमारा पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करता है. जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 12 यार्ड है और ये 5 यार्ड है, तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस टू बी हाउ मच, इट्स टू बी 13 यार्ड्स आ गया ये डिस्टेंस. पाइथागोरस लग गया, 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर = 13 स्क्वायर. अब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये वाला नीचे वाले के साथ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट. अब जैसे समझिए ये है कि हमने ये यहाँ से इसको हिट करना है, तो कितना डाउन एंगल है ग्राउंड के साथ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल विद द रूफ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. दोनों एक ही होते हैं. कई लोग इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है. वॉल के साथ कोई एंगल नहीं लेना है, या रूफ के साथ एंगल लेना है या अपने बेस के साथ एंगल लेना है, ठीक है. अब मान लीजिए इसका यूज क्या है, यूज क्या है भाई, कि अगर आप एक यू नो लाइट हाउस है, उसका एक हाइट है जो कि डिफाइंड है, राइट. यहाँ पे लाइट जल रही है, बत्ती जल रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है, मेंटोस खाया हुआ है क्योंकि इन्होंने. अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें अगर पता करना है, हमें अगर ये एंगल थीटा पता चल जाएगा, वी कैन वेरी इजीली फाइंड दिस लेंथ सी ए. क्योंकि समंदर में मील पत्थर तो लगा नहीं सकते हैं, माइल स्टोन तो लगा नहीं सकते हैं कि पता चल जाए भाई कितना दूर रह गया. तो इसीलिए व्हाट दे डू इज दे यूज द कॉम्पास. और जो यहाँ वाला बंदा है वो कैसे देख सकता है, वो ऐसे देखेगा, यहाँ से सामने देखेगा और देखेगा ये कितना नीचे गिर रहा है. जितना ये डाउन जाएगा उतना वो पास में आ जाएगा, ठीक है. जितना ये दूर होगा उतना वो दूर होगा. दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द लेंथ, यू नो, एंड दिस इज द यूज. और फिर दूसरा यूज क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका आपको हाइट पता करना है, तो आप यहाँ खड़े होकर इसका एंगल ले लीजिए और ये डिस्टेंस आप माप सकते हैं. अगर आपके पास ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी आपको पता चल सकता है. तो लाइट की मदद से और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इस बड़ी इमारत की हाइट भी माप सकते हैं, राइट. यस नो, मैंने एक स्कूल में आई नो ऐसे ही यू नो एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था कि भाई जो आपके स्कूल की बिल्डिंग है उसकी हाइट पता करके लाइए. 10th क्लास के बच्चों को ये काम दिया था. एक दो बच्चे निकाल के लेके आए, तो हमने उससे पूछा भाई कैसे निकाल. उन्होंने बोला कि सर सिंपल है, हम छत पे गए और वहाँ से इंची टेप को नीचे फेंका और ये माप लिया है ना कितना हाइट है. चलो बहुत खुश हुए. फिर उसी स्कूल में एक बड़ा टंकी था पानी का, हमने कहा भाई अच्छा इस टंकी की हाइट बताओ, अब कोई चढ़े ना उसके ऊपर, राइट. सो देन आई नो दिस टेक्निक वॉज यूज एंड वी कुड फाइंड द हाइट ऑफ द टंकी, ठीक है. चलिए, तो जैसे मैंने बोला बेटा, दो तरीके से आपका जो है ये ट्रायंगल बनता है, एक 30, 60, 90 वाला जिसमें 1, 2, रूट 3 डायमेंशन आती हैं
और एक 45, 45, 90 जिसमें 1-1 रूट 2 आती है, सारी कहानी इसी के बेस घूमेगी। पूरे का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा और उसके अंदर हाइट्स एंड डिस्टेंसेज है वो इसके ऊपर घूमने वाला है। जो वो टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो वाला भैया कैट में नहीं आता है, राइट। वो बेसिक आता ही, उसको रिवाइज कर लीजिए, कोई उसमें रॉकेट साइंस है नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट इज 4.6 अवे फ्रॉम द वॉल। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 डिग्री है और ये 4.6 है। लेंथ ऑफ लैडर पूछा है, लेंथ ऑफ लैडर पूछा है, ये लेंथ पता करनी है। तो इसको हम थीटा मान लेंगे। जो थीटा है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 होती है, दूसरी 2 रूट 3 होती है और ये वाला हमारा 2 होता है, ठीक है, ये वाला 2 होता है। तो ये भैया अगर आपका 1 है, ये 2 है, ये 4.6 है, तो ये 9.2 आ गया आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पॉइंट है ग्राउंड पे और 30 डिग्री एलिवेशन है, टावर की हाइट 100 है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस पता करना है, तो ये 100 रूट 3 हो गया, सिंपल, क्योंकि 30 के सामने हमेशा 1 लेना है आपने, ठीक है। तो जब तक सिंगल सिंगल था तब तक आसान था, अभी मैं दो वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू डू इट। सिंगल वाला ही है, फिर दो वाला भी कराएंगे। क्विकली गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर टॉल है, ये ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर से, ठीक है, और टावर कितनी दूर है उससे, 20 रूट 3 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। सो आप देखेंगे कि ये 1.6 है तो ये भी 1.6 आ जाएगा। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, so this side is 1, this is root 3, if this side is 20 root 3, so this becomes 20, so total length ho gaya 21.6, theek hai, man ki height usme hum add kar denge, got it everyone, theek hai bhai, ye 6 ka 6 diagram bana lijiye, 3 ek side pe diagram hai, 3 alag alag side pe diagram hai, ye kab hota hai, iska typical context kya rehta hai, ki ek banda yahan se chala, और उसका टॉप ऑफ द टावर के साथ जो एंगल था वो थीटा था या कुछ भी था, थोड़ी देर चलने के बाद उसका एंगल जो है कम हो गया। मान लीजिए ये 30 डिग्री था और ये 20 मीटर चलने के बाद ये 60 डिग्री हो गया, तो बताइए हाइट कितनी है, हाउ मच इज द हाइट ऑफ दिस टावर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखे गए। अब हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे बेटा जी, सबसे पहले देखिए कि ये 60 है तो ये बेटा 30 आ गया आपका, बोलो हाँ या ना, ये 30 है तो ये भी 30 आ गया। अब ज्योमेट्री लगाया यहां पे, ये 20 मीटर है तो लेंथ एसी इज आल्सो इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ एसी इज इक्वल टू आल्सो 20 मीटर। तो 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, दूसरी साइड 2 होती है और ये रूट 3 होती है। तो 20 वाला अगर 2 है तो ये 10 रह गया और ये 10 रूट 3 आ गया। ठीक है, 10 रूट 3 आ गया। तो जो जो भी हाइट चाहिए वो बता दीजिए आप, ठीक है। अब यहां से देखिए, 30 से 45 चला गया, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 हो गया। ये बेटा जी x है तो दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज x रूट 2, ठीक है। नाउ वी नो इफ दिस इज 30, दिस इज x, दिस इज गोइंग टू बी रूट 3x, ठीक है। तो रूट 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाए। सबको समझ में आया भाई, ये 45 है, ये 60 है, अंदर वाला 30 हो गया बेटा। अब 30 वाला अगर एक्स होगा, मान लो 30 वाला एक्स है,
ये हो जाएगा आपका एक्स रूट थ्री। गॉट इट? क्योंकि ये हमने एक ही ट्रायंगल लगानी है और कुछ है ही नहीं है इस पूरे में। 30 के सामने वाली साइड वन, दूसरी साइड रूट थ्री और ये वाली साइड टू, तो ये 45 डिग्री है, तो होल बिकम एक्स रूट थ्री। तो यहां पे भी इक्वेशन लगा दो, रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो तीन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में डायग्राम बनाना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप प्लीज मेक द डायग्राम, इन द सेकेंड स्टेप प्लीज ट्राई टू मेक द वैल्यूज फिल करेंगे दूसरे वाले स्टेप में, और तीसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे हम उस वैल्यूज को आंसर निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा उन वैल्यूज से। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कुछ लैग हो रहा है, हाँ आज थोड़ा इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, आई होप इट विल बी करेक्ट सून। तो ये तीनों एक ही साइड पे आ गए, ऐसे होगा ही वॉक्स 20 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट सी, फाइंड द डिस्टेंस सो दैट ही शुड वॉक फर्दर टू रीच द बॉटम ऑफ द पिरामिड और बॉटम ऑफ द यू नो व्हाट टावर और व्हाट इज एवर बिल्डिंग यू हैव। दिस क्वेश्चन इज दैट यू नो दे आर ऑन द टू डिफरेंट साइड्स, के टू बोट्स आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, राइट, इन द मिडल देयर इज समवेयर यू नो पोल ऑफ हाइट एच, सो दिस एंगल इज 30, दिस इज 45। तो 30 के सामने वाली साइड को एच ले लेंगे और ये वाला एच रूट थ्री आ जाएगा और ये वाला भी एच आ जाएगा, सो एच प्लस एच रूट थ्री इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको सॉल्व कर दें। सेम वे यहां से ये 300 है बेटा, तो ये भी 300 हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल हो, 30 डिग्री एंगल ढूंढ लीजिए, 30 के सामने वाली एंगल वन, ये एंगल रूट थ्री एक्स हो गया, ये एक्स रूट थ्री हो गया, तो ये हो गया 300 बाय रूट थ्री। तीसरा केस होता है 60 और 30 का, तो 30 के सामने वाली साइड वन, राइट, तो ये रूट थ्री हो गया इसका। ठीक है, या इसके 30 के सामने वाली को वन ले लो, तो ये रूट थ्री हो जाएगा, ये रूट थ्री हो गया, तो ये थ्री हो गया, ठीक है, टोटल फोर हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन। ये 6 केस हो गए, इसके बाद मैं आपको दो स्पेशल केस बताऊंगा इस क्वेश्चन में जो आते हैं। ठीक है, पहले इन 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, 6 टाइप्स को प्रैक्टिस। 30-60 सेम साइड, 30-40 सेम साइड, 45-60 सेम साइड, 30-40 ऑपोजिट साइड, 45-45, अच्छा एक रह गया केस जिसमें सेम हो जाता है दोनों साइड, मतलब 30-30 हो गया, 45-45 हो गया और 60-60 हो गया। जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन, अ मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी इज वॉचिंग टॉप ऑफ ए टावर विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद मैन्स आई। ठीक है, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसकी आंख के साथ बना रहा है एंगल। ठीक है, द मैन वॉक सम डिस्टेंस टू वॉच इट्स टॉप एंड द एंगल बिकम 60 डिग्री, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द टावर एंड पॉइंट पी। सो भाई इसमें अब देखो, हमें डिस्टेंस तो कोई दिया ही नहीं है, कोई ना कोई एक डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, फिगर तो बन जाएगा, देखो फिगर तो ऐसे बन जाएगा, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, इन सभी में से कोई भी डिस्टेंस दिया होगा तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, अगर कुछ भी नहीं दिया है फिर क्वेश्चन करना मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डेटा इनएडिक्वेट। देखिए 30-60 वाला क्वेश्चन है, 30 डिग्री था, 60 बन गया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
Now he is asking you angle of elevation, height of the hill. Height of the hill was मान लीजिए h, ये theta आ गया, ये 30 आ, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 आ जाएगा. तो 30 के सामने वाला अगर h होता है तो ये h root 3 हो जाता है. इजी करने के लिए मैं इसको h root 3 लिख लेता हूँ. ठीक है, got it everyone? तो 30 के सामने जो है 60 के सामने उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसका 3h हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 2h. तो h इज इक्वल टू 3/2. हमें तो हाइट चाहिए, इनटू रूट 3, 3√3/2 आंसर आ गया. वेरी गुड दोज हु हैव आंसर, बहुत ही अच्छा. चलो जी आगे चलते हैं बेटा जी. फाइंड एच एंड एक्स. अभी देखो 30 से 60 वाले में भी आपको क्या समझ में आएगा कि ये अगर एक्स है तो ये 2x होता है. 30 से 60 जाते हुए रास्ता आधा रह जाता है. तो मतलब ये अगर 40 है तो डायरेक्टली यू कैन राइट इट टू बी 20. एंगल डबल हो गया और ये हाफ हो गया. बट ये 30-60 में ही है भाई, और नहीं कहीं चलेगा. हाँ ध्यान रखना ये. तो ये 30 है, 20 है, ये 20√2 हो गया, 20√3 सॉरी आंसर आ गया. ठीक है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आने लगेगा. ये अगर 70 होगा तो ये 35 हो जाएगा और ये 35√3 हो जाएगा. कब होगा ये, जब आपका 30-60 वाला प्रोग्राम होगा. वेरी गुड. ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. शेडो ऑफ ए टावर कितनी है, शेडो ऑफ टावर, हाउ मच इज द शेडो ऑफ टावर, इट इज 60 मीटर लॉन्गर है, 60 मीटर लंबी है. तो भाई उसके क्या क्या होता है, 60 मीटर, तो डिस्टेंस 60 आ गया. 45 और 30 दो एंगल बनेंगे, ये 45 बन गया और ये आपका 60 बन गया, 30 बन गया, 30-45. दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज 60. ठीक है, हाइट, हाइट मान लो h, दिस इज ऑल्सो h, दिस बिकम्स √3h. तो √3-1h इज इक्वल टू 60 और h इज इक्वल टू 60 इंटू √3+1, √3-1. कट कट फटाफट थर्ड आंसर आ गया. गॉट इट भाई, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पकड़ में आ रहा है. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू शिप्स आर सेलिंग ऑन टू साइड्स नाउ. थे अब दो अलग अलग साइड पे हैं. वन इज 45 डिग्री, अनदर इज 30 डिग्री. ये टेन थीटा से तो भाई टेन ए प्लस बी वाला फंडा लगता है, वो वाला ए माइनस बी वाला बड़ा लंबा काम. मैं आपको देसी मेथड से कराता हूँ. ये 2α है ना बेटा, ये अल्फा है, तो क्या ये अल्फा हो गया. ठीक है, तो ये अगर 2h है तो ये भी 2h हो गया. तो अगर ये 1 हो और ये 2 हो और ये एंगल 90 डिग्री हो तो ये h रूट 3 हो जाएगा. तो ये h रूट, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया. तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. नहीं, अल्फा इज इक्वल टू, ये h है, ये 2h है, ये 30 डिग्री. अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री आया. 2α इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री आंसर है. स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को. ठीक है,
ठीक है, हमने देखा 30 टू 60 जब हम जाते हैं क्या होता है, 30 टू 60 जाते हुए जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है ये इसका हाफ हो जाता है। वेयर एज 15 टू 60 जाते हुए, 15 टू 30 जाते हुए बेटा क्या होता है, जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हाइट मेरा उसका हाफ होगा। इफ दिस इज 2h देन हाइट बिकम्स h। कैन यू प्लीज डू दिस क्वेश्चन, थ्री मिनट लग रहे हैं तो ये वाले को वन एंड हाफ मिनट लगेगा, टोटल टाइम विल बी 4.5 मिनट। ये भी बताया अभी पिछले क्वेश्चन में बेटा 15 डिग्री है 30 डिग्री है, फटाफट बताओ भाई 15 से 30 जाना है, 15 से 30 जाते हाइट क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। ये अगर 100 है और तो ये क्या होएगा 50 हो जाएगा। ऐसे याद करो ना, 15 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक जाते जाते एस्पिरेशंस आधी रह जाती हैं, और 30 की उम्र से 60 तक जाते जाते बाकी बचा हुआ जो रास्ता है वो आधा रह जाता है। जितना ट्रेवल कर लिया आपने उसके बाद जो बचा है थोड़ा ही बचा। नेक्स्ट कम्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। आपको डांस स्टेप याद होंगे जो हमने किए थे, सो दिस इन टू दिस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, एंड दिस इन टू होल दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। कैसे बनेगा ये देखो भाई, इफ दिस इज थीटा इट इज थीटा, इट इज 90 माइनस थीटा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं तो है, ये नॉर्मल केस में नहीं, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं तो लेट अस राइट इट पॉइंट ए बी डी सी। ये सी इधर लिखने की बजाय इधर लिख लीजिए तो भी वही रहेगा, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी डी इंटू ए डी, सो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो इस केस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए डी, एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। And h square is equal to ac into h square. Sorry, this square is equal to this into this. So what is this? AD. This is CD. ठीक है, तो ये जैसे हमने इसको, एक मिनट दोबारा करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गई, लेट मी राइट पॉइंट्स ए बी सी डी। सो सबसे पहले ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी डी आएगा, this into whole of it, yeah, this into whole of it. Now AC square will be equal to, AC square will be equal to, AC square is equal to CD into, CD into BC. And AB square is equal to BC into BD. Yeah. BC into BD. Yeah.
Yes, so this is how you will be able to do it. Opposite side है फिर तो आपको आता ही है. क्या आता है? b square is equal to x into x plus y, a square is equal to y into x plus y, h square is equal to x into y, and a into b is equal to h into x plus y. याद आया डांस स्टेप? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. याद आया भाई? ये चारों स्टेप लगा देंगे. हाँ जी बताइए. फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर टू द पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज. तो ये 40 पे एंगल बन रहा है, ये 90 पे बन रहा है. ये 40 है, ये 90 है. इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा. तो ये एच पूछ रहा है, बताए दिस इन टू दिस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3660. ईजी है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? दिस यू कैन डू इट. ओवर ए टावर, ये लेवल टू का क्वेश्चन है. ए बी हाइट है टावर की, देर इज ए फ्लैग ऑफ 20 मीटर्स. ए बी एंड बी सी मेक्स इक्वल एंगल एट ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे. सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा. ये दोनों एंगल इक्वल है, हाइट पता करनी. व्हाट इज हाइट ऑफ द, दिस इज 30 मीटर. ये 30 मीटर अवे है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, इसकी हाइट पता करनी. ठीक है, बोलो भाई. Can you find it out? Let this is equal to x and this is equal to pi. क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया. एंगल बाइसेक्टर हो गया ना ये. तो 30 अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन 20 और एक्स वाई इज इक्वल टू 300. xy is equal to 300. Also Pythagoras लगाएंगे. क्या लगाएंगे Pythagoras में? 20 plus x का whole square plus 30 का whole square is equal to y का square. ठीक है, तो यहां से we can find the relationship of x and y. ठीक है, x and y का relationship आ जाएगा हमारा. ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मेथड. ये है ना, ओवर ए टावर ऑफ हाइट ए बी 20 मीटर देयर इज ए फ्लैग ऑफ दिस. ठीक है, सो ये हो गया फ्रॉम द फुट ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज. टोटल हाइट पता करनी है, एक्स और वाई पता करना है. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ गया 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 900 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व होगा. लेट अस ट्राई वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बड़ी इक्वेशन बन जाएगी. क्वाड्रेटिक से तो लंबा हो जाएगा भाई.
अगर हम इसको 30 मान लें, ये 50 ले लिया, लेट इट बी 30 30 30, ये 45 एंगल हो गया, ये 45 हो ही नहीं सकता है, सो इट हैज़ टू बी लेस देन 30। तो अगर इसको 15 मान लेते हैं, 15, दिस इज 15, दिस इज 30, या सो 45 आंसर आएगा भैया। वैल्यू पुट करके देखा हमने, बाय पुटिंग द वैल्यू, सी दिस ऑप्शन गोज आउट, दिस ऑप्शन गोज आउट, क्योंकि अगर ये 50 होता है टोटल तो ये 32 हो गया या 30 हो गया, उससे ये एंगल 45 आ गया। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वी टुक 45 एन एग्जाम्पल, तो ये 15 हो गया और ये रिलेशन से, अरे यार ये 600 आना चाहिए था, गलती कर गया, वी हैव डन मिस्टेक हेयर, हमने यहाँ गलती की है थोड़ी सी, तो ये 600 आ गया। 600 से इसको हमने x 15 ले लिया, y 40 आ गया, तो ये 3:4 में, दिस विल ऑल्सो बी इन 3:4, राइट। सो दिस वे वी गॉट यू नो आंसर एज 45। पंद्रह और तीस और चालीस, 35 आना चाहिए इसके हिसाब से, तो हमने कुछ गड़बड़ की है। ओवर ए टावर ऑफ हाइट 20 meters देयर इज ए फ्लैग स्टाफ बी सी। ओहो, मैं भी वही बोलूं कि गड़बड़ क्या किया हमने, हमने क्वेश्चन ही गड़बड़ ले लिया बेटा। ओवर ए टावर ऑफ हाइट 20 meters, ये 20 meters दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसके ऊपर बी सी है, ये बी सी है, ये ऑलरेडी 30 दिया हुआ है आपको, ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट। सो अब आपको हाइट पता करनी है, सॉरी आई एम सॉरी, मैं भी कहूँ कि क्वेश्चन निकल क्यों नहीं रहा, डायग्राम ही गलत बन गया था बेटा, डायग्राम ही गलत बन गया था, मैं किसी और क्वेश्चन का वो ले गया उसमें। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। सो ये आपका जो भी है एक्स हो गया, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा। सो यहां से कैन यू से व्हाट इज टेन ऑफ थीटा, 2/3, टेन ऑफ थीटा इज 2/3, व्हाट विल बी टेन टू थीटा, टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा इज 2 tan θ, 1 minus tan θ, 1 minus tan square θ, सॉरी 2 tan θ, 1 minus tan square θ, तो tan थीटा 2/3 है, तो ये हो गया 4/3 upon 1 minus 4/9, तो 4/3 into 9/5, 3 12/5 आ गया tan 2θ, into tan 2θ क्या हो जाएगा, tan 2θ is equal to this upon 30, इंटू 30 कर दीजिए, 72 आ गया, टोटल हाइट इज 72 नाउ, उसमें से 20 ये है तो फ्लैग स्टाफ रिमेन्स 52 इज द आंसर। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये लेवल 2 का क्वेश्चन आ गया था, तो वो मैंने पहले जो क्वेश्चन डाले थे वो लेवल 1 के थे, आई वॉज थिंकिंग इट दैट वे, एनी हाउ द आंसर शुड बी 52, ठीक है भाई लोग। आई होप यू ऑल एंजॉयड, this was the basics of your heights and distances, right, thank you very much, I hope you all enjoyed.